exam like as DSSB, Altigrade, UP, KVS, NVS and all TETs in only 5 seconds. तो ये जो टॉपिक है आज का इंग्लिश ट्रिक जिसका नाम दिया है मैंने इंग्लिश ट्रिक्स, तो ये जो ट्रिक्स होंगी आप लोगों की हेल्प करेंगी किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड इंग्लिश पोर्शन को कवर करने के लिए कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं अपने करेक्ट आंसर को किसी भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और स्पेशली ये हमारी इंग्लिश ट्रिक्स से रिलेटेड है, यानी कि इंग्लिश के पोर्शन को मैंने यहाँ पे कवर करने के लिए बात की है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स दे रखी हैं, जो ये तीनों की तीनों स्पेशली टिप्स एंड ट्रिक्स दे रखी हैं मैंने, इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो मेरे हिसाब से आपके 99.9% आपका जो आंसर है वो बिल्कुल फाइंड हो जाएगा अच्छे तरीके से। बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है और प्रैक्टिस के साथ साथ इन तीनों टिप्स को अप्लाई करने की जरूरत है, तो आपका जो आंसर है वो आपका 5 सेकंड के अंदर आपको आपके सामने मिल जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा रीड डायरेक्शंस केयरफुली। ऐसा तो नहीं है कि इंग्लिश में हमें कभी भी डायरेक्शन नहीं दे रखी होती है हमें किसी भी क्वेश्चन से पहले, क्योंकि हर कंटेंट या हर टॉपिक से रिलेटेड, चाहे नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, चाहे स्पोर्टिंग एरर हो, चाहे फिलर्स हो, चाहे टेंस से रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी क्वेश्चन हो आप लोगों के सामने, उससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन तो जरूर मिलेंगे। तो डायरेक्शंस भी दे रखी होती है, उन डायरेक्शन को हमें सबसे पहले ध्यान पूर्वक केयरफुली पढ़ना है ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है या आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें पूछा क्या जाने वाला है। तो ये चीज हो गई हमारी फर्स्ट टिप्स। सेकंड है क्लियर कॉन्सेप्ट्स। क्लियर कॉन्सेप्ट्स का मतलब है कि आप लोगों को 110% तो नहीं, एटलीस्ट 70-80% उस चीज के बारे में या उस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअल में, चाहे वो नाउन से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोनाउन से रिलेटेड हो, चाहे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, चाहे वो टेंस से रिलेटेड हो, चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो, आपको एग्जैक्ट 70% तो पता होना चाहिए कि वो है क्या, कि हमारा क्लोज टेस्ट क्या होता है, टेंस क्या होते हैं, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। तो वो सारी चीजें अगर आपको क्लियर है तब आप फाइंड कर सकते हैं करेक्ट आंसर। तो ये हमारी सेकंड वाली टिप्स हो गई। थर्ड वाली जो टिप्स है वो हमारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसे मैं अभी तक जितने भी अब तक मैंने एग्जाम्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने तो बहुत अप्लाई किया है और करेक्ट आंसर मेरा बिल्कुल फाइंड हो जाता है इंग्लिश के अकॉर्डिंग। तो यहां पर देखिए, फाइंड आउट 2 फिक्स्ड एरर, यानी कि हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको 4-5 एरर जरूर मिलेंगे, यानी कि 4-5 ऑप्शन जरूर मिलेंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको 2 या 3 आपको जो फिक्स्ड एरर है कि वो तो बिल्कुल नहीं आएगा, यानी कि 110% वो ऑप्शन तो आपके बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं, उनको फिक्स्ड करना है। देन आपके पास 2 या 3 जो भी ऑप्शन बचता है उसमें से आपको फाइंड करना है कि एक्चुअल में ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग क्लियर कर लेते हैं इन तीनों टिप्स को। फिलर्स रिलेटेड सम एग्जाम्पल्स। तो फिलर्स रिलेटेड आप लोगों के सामने आपने बहुत प्रैक्टिस की होगी, आप लोग जानते भी होंगे फिलर्स क्या होता है, जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स के अकॉर्डिंग होता है, चाहे उसमें हमें टेंस से रिलेटेड पूछा गया हो, चाहे सिनोनिम पूछा गया हो, चाहे एंटोनिम्स, चाहे एडियम्स, चाहे कुछ भी पूछा गया हो, वो हमारे फिलर्स के अकॉर्डिंग जो एक फिल इन द ब्लैंक्स, जहां पे एक ब्लैंक दे रखा होता है उसमें हमें ऑप्शन फिल करना होता है, तो वो हमारा फिलर्स से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो टिप्स थी उसको अप्लाई करते हैं। डायरेक्शंस रीड केयरफुली जो था, तो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज लेफ्ट अनफिनिश्ड बीनीथ ईच सेंटेंस फॉर डिफरेंट वेज ऑफ कंप्लीटिंग द सेंटेंस इन इंडिकेटेड चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव अमंग द 4। यानी कि एक आप लोगों के सामने क्वेश्चन है और उसमें बोला गया है कि एक जो पर्टिकुलर आपको डैश दे रखी है, यानी कि जो ब्लैंक दे रखा है वो हमारा अनफिनिश्ड है, यानी कि जो पूरा सेंटेंस है वो हमारा अनफिनिश्ड है, इसको फिनिश करना है, पूरा कंप्लीट करना है, और ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको ए बी सी डी, इन चारों के अकॉर्डिंग हमें ये फिल करना है और इस पूरे क्वेश्चन को, यानी कि जो सेंटेंस दे रखा है उसको कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना होगा, जो हमारा क्या आ जाता है क्लियर कॉन्सेप्ट। क्लियर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें ये पता चल चुका है, यहाँ पर हमें फिलर्स के अकॉर्डिंग फिलर्स को जो ऑप्शन है उसको फिल करना है। फिलर्स के लिए पर्टिकुलर ये मेंशन नहीं होता है कि उसके अंदर नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, टेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फिलर्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारा क्लियर कॉन्सेप्ट भी हो गया। लास्ट हमारी जो टिप्स बचती है वो हमारी फाइंड आउट 2 फिक्स्ड एरर, और 2 फिक्स्ड एरर को देखते हैं। सबसे पहले
यहाँ पर क्वेश्चन है सी कांट गो आउटसाइड बिकॉज शी डैश हर लैम्प. तो ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन दे रखे हैं और क्वेश्चन का मतलब यह है कि वह आउटसाइड यानी कि बाहर नहीं जा सकती है क्योंकि डैश हर लैग, क्योंकि उसके लैग में कुछ प्रॉब्लम है तो या उसका जो लैग है वो टूट गया. ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें पता चल गया कि उसका लैग जो उसका पैर है वो टूट गया है, बट करेक्ट जो इसके अंदर फिलर्स यानी कि जो ब्लैंक है उसके अंदर कैसे फिल करेंगे हम करेक्ट. तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि टू जो हमारे मैंने बोला था कि जो 110% ये वाले ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते वो फाइंड करेंगे. तो एक सबसे पहले चलते हैं ए वाले ऑप्शन पर. ए है हमारा हेड ब्रोक. कभी आप लोगों ने पढ़ा है कि हेड के साथ ब्रोक आता है? नो, हेड के साथ हमेशा ब्रोकन आता है. ब्रोकन का मतलब है जो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है. तो ये हमारा पता चल गया आप लोगों को कि ए वाला ऑप्शन है वो तो हमारा बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता, तो इसको हमने कट कर दिया. नेक्स्ट चलते हैं हमारे ब्रोकन. अब ब्रोकन को देखते हैं. शी कांट गो आउटसाइड बिकॉज शी ब्रोकन हर लैग. अब ये हमारा बोलने में कुछ अजीब सा लग रहा है बट हमें कंफर्म नहीं है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, बट बोलने में थोड़ा सा अलग ही डिफरेंट इसका वे आ रहा है तो इसको हम छोड़ देते हैं. नेक्स्ट वाले ऑप्शन की ओर चलते हैं. नेक्स्ट है हमारा शी कांट गो आउटसाइड बिकॉज शी डैश हर लैग यानी कि हैज ब्रोकन. शी हैज ब्रोकन हर लैग. अब यहाँ पे ये देखिए हमें अब इस क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा हमें लगा कि ये वाला हो सकता है बट हमें एग्जैक्ट तो पता ही नहीं है कि यही आएगा तो हम इस ऑप्शन को भी छोड़ देते हैं. लास्ट है हमारा डी वन. शी कांट गो आउटसाइड बिकॉज शी डैश हर लैग. अब ये तो आप लोगों को पता है कि शी है यानी कि वो सिंगल है, सिंगल यानी कि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ तो कभी हैव का यूज होगा ही नहीं, हैज का यूज होता है. तो हम यहाँ पे जो हमारा डी वाला ऑप्शन है वो भी हमारा बिल्कुल गलत हो गया है. तो हमारे सामने कौन कौन से ऑप्शन बचे हैं? बी और सी. बी और सी में से हमें कंफ्यूजन है कि एग्जैक्ट कौन सा आंसर होने वाला है. तो मैंने आप लोगों को बताया था जब मैंने बी ऑप्शन पढ़ा था कि ये कुछ बोलने में कुछ अजीब सा लग रहा है यानी कि एक एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकल कर आ रहा है कि हाँ ये होगा. जैसे शी कांट गो आउटसाइड बिकॉज शी ब्रोकन हर लैग. ब्रोकन हर लैग क्या होता है? कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बन रहा है हमारा इसका और ना ही हमें बोलने में एक पर्टिकुलर इसका जो सेंटेंस है वो भी नहीं समझ आ रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ? जो बी वाला ऑप्शन है वो भी हमारा नहीं है. तो लास्ट हमारा कौन सा ऑप्शन बच गया? सी. सी वन इज द करेक्ट आंसर. यानी कि अब जब हमारा सी वाला ऑप्शन बच गया है तो हम क्या करेंगे? सी वाले को एक बार डालकर देखते हैं कि क्या होता है. शी कांट गो आउटसाइड बिकॉज शी हैज ब्रोकन हर लैग. तो देखिए एज हमें ये चीज भी पता चल गया कि शी के साथ हैज का यूज होगा, हैव का यूज नहीं होता है. तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई कि हैज कहा गया और ब्रोकन ब्रोकन यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ये भी चीज हमें क्लियर हो गई. तो दोनों हमें सब अच्छे लग रहे हैं यानी कि हमें कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी पता चल गया हैज ब्रोकन आएगा और ये भी चीज हमारे सामने आ गई है कि जो मीनिंग है उसका एग्जैक्ट मतलब भी निकल गया है इसे डालने के बाद. जैसे शी कांट गो आउटसाइड बिकॉज शी हैज ब्रोकन हर लैग. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे सामने? सी वन इज द करेक्ट आंसर. तो ये आपको समझ आ गया होगा कि इस वाले यानी कि फिलर्स में अगर हम ये तीनों हमारी ट्रिक्स हैं इनको अप्लाई करते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर कैसे फाइंड होता है. तो ये तो बहुत मतलब एक दो मिनट लग गया मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करने में, बट जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इन तीनों टिप्स को बिल्कुल ट्रिक्स के अकॉर्डिंग यूज करने के लिए तो मेरे हिसाब से ओनली आपको 5 सेकंड लगने वाले हैं इन क्वेश्चंस को फाइंड करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंस रिलेटेड एरर सम एग्जांपल्स. टेंस रिलेटेड एरर. अब ये देखिए यहाँ पर टेंस रिलेटेड एरर है. अब एरर के अकॉर्डिंग देखते हैं. वैसे तो आप लोगों के सामने एरर आप लोगों ने बहुत ही स्पोर्टिंग एरर जिसे बोलते हैं उसमें बहुत सारी चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं, चाहे वो नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, चाहे वो टेंस से रिलेटेड हो गया, चाहे प्रपोजिशन से रिलेटेड हो गया, कुछ भी ग्रामेटिकल पोर्शन कुछ भी ले सकते हैं. तो सबसे पहले हमें डायरेक्शंस पढ़नी है. रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर और इडियोमेटिक एरर इन इट. द एरर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस. इफ देयर इज नो एरर द आंसर इज 5. तो आपको डायरेक्शन से बिल्कुल एग्जैक्ट ये पता चल गया कि इन जो हमारे सामने क्वेश्चन है उसके अंदर एरर फाइंड करना है, चाहे वो इडियोमेटिक हो, चाहे वो सिनोनिम, चाहे एंटोनिम, कुछ भी ग्रामेटिकल पोर्शन कुछ भी ले लीजिए आप, तो उससे रिलेटेड हमारे सामने एरर जरूर होगा. अगर हमारे क्वेश्चन में एरर नहीं है तो हमारा जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो चूज करना है यानी कि नो एरर. तो क्वेश्चन पढ़ते हैं.
David is getting weaker and weaker day by day due to incurable disease. अब incurable disease का मतलब होता है एक जो fixed, जो काफी long time तक जो एक serious गंभीर बीमारी होती है उससे related होता है हमारा incurable disease. तो जो David है वो कमजोर होता जा रहा है, मतलब दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है incurable disease के कारण या की वजह से, कुछ भी कह सकते हैं. तो इसमें हमें error बताना है. अब एरर हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डेविड इज गेटिंग, अब होता जा रहा है तो ये तो आप लोगों को पता है कि ये हमारा कंटिन्यूअस टेंस हो गया. तो कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी और इसका यूज होता है, ये चीज हमारी बिल्कुल सही है. तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट. सेकंड है वीकर एंड वीकर, यानी कि कमजोर होता जा रहा है. जब हमारे सामने कोई भी चीज ग्रेजुअली होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, तब वहां पर हम ऐसी चीजों का यूज करते हैं. वीकर एंड वीकर हो गया, बेटर एंड बेटर हो गया. तो कुछ भी, मतलब जो चीज हमारे सामने ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होती है वहां पर हम ऐसे सेंटेंसेस का यूज करते हैं, यानी कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसका यूज करते हैं. तो ये वाला भी हमारा करेक्ट हो गया, इसमें भी कोई हमें एरर नहीं नजर आ रहा है. देन है हमारा डे बाय डे. कभी कभार कैंडिडेट्स ने ये चीज भी आप लोगों ने सुनी होगी कि डे बाय नहीं होता, डे टू डे होता है. बट कभी भी आप लोगों को डे टू डे नहीं मिलेगा. एग्जैक्ट जो ग्रामेटिकल बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस होता है या करेक्ट जो वर्ड होते हैं वो होते हैं हमारे डे बाय डे. तो ये हम रेगुलर अपने रूटीन में कभी कभार यूज कर लेते हैं डे टू डे, क्योंकि ये चीज भी आप लोग नॉर्मल इंग्लिश में बातें कर रहे हो, इंग्लिश में आपकी फ्लुएंसी है, अच्छी है, वहां पर भी हम कभी कभार डे टू डे का यूज कर देते हैं. बट एक ग्रामेटिकल जो करेक्ट फॉर्मेशन है वो हमारी डे बाय डे की होती है. तो वन टू और थ्री तीनों ऑप्शन में तो हमें कोई एरर नहीं मिला. लास्ट है हमारा ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन में, देखिए ड्यू टू इनक्रिएबल डिजीज. तो इन ड्यू टू इनक्रिएबल डिजीज यानी कि एक गंभीर बीमारी की वजह से. तो यहां पर तो मेरे हिसाब से तो कोई एरर है ही नहीं इसके अकॉर्डिंग. तो ए बी सी और डी यानी कि वन टू थ्री और फोर चारों में तो कोई हमें ऑप्शन ही मतलब कोई भी हमें लग ही नहीं रहा कि एरर है, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स हमारे डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग भी सही हो गई, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर सही है. और टू फिक्स जो एरर थे ना तो हमें वो वन में मिला है, ना टू में मिला है, ना थ्री में मिला है, ना फोर में मिला है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो करेक्ट आंसर वो है हमारा 5-1 इज करेक्ट, यानी कि नो एरर. तो नो एरर हो गया. तो यहां पर हमने तीनों ट्रिक्स को अप्लाई किया है तब जाके हमारा जो करेक्ट आंसर है वो निकल कर आया है. तो टेंस रिलेटेड एरर भी आप लोगों को समझ आ गया होगा. नेक्स्ट चलते हैं प्रोनाउन रिलेटेड एरर सम एग्जाम्पल्स. यहाँ पर मैंने टू एग्जाम्पल दे रखे हैं प्रोनाउन रिलेटेड. अब यहाँ पर आप लोगों को ना तो मैंने ऐसे बता रखा है कि कैसे पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग बता रही हूं मैं. यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट का भी बता रही हूं मैं. पहला क्वेश्चन है जॉन एंड डेविड आर टॉकिंग ईच अदर एंड वन अनदर. तो यहां पर ये चीज याद रखोगे, जहां पर दो पर्सन या दो चीजों के बारे में बात किया जा रहा हो या की जा रही हो, टू पर्सन हो गए, टू ऑब्जेक्ट्स हो गए, या कोई भी दो चीजों के बारे में, तो वहां पर हम ईच अदर का यूज करेंगे, यानी कि ईच अदर. और अगर हमारे पास टू से ज्यादा पीपल्स हैं, पर्सन्स हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, मतलब पर्सन में ले लो आप उन चीजों को, ऑब्जेक्ट्स हो गए, जहां पर टू से ज्यादा कुछ चीजें हमारे सामने रखी गई हैं या टू से ज्यादा पीपल्स हैं, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, वन अनदर. तो ये चीज आप प्रोनाउन के अकॉर्डिंग याद रखेंगे. तो ये चीज मैंने एक नॉर्मल एग्जांपल के अकॉर्डिंग बताई है कि कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रोनाउन हमें सिर्फ ओनली डेफिनेशन आनी चाहिए कि प्रोनाउन होता क्या है या प्रोनाउन के हमें काइंड्स पता होने चाहिए. नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके अंदर जो छोटे छोटे पॉइंट्स है वो हमें क्लियर होने चाहिए. तो ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पर ऐसे आप लोगों की नॉलेज के लिए डाल दिए. तो ये हमारे एरर होते हैं जो हमसे कभी ना कभी किसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछे जा सकते हैं. तो ये हमारी कुछ टिप्स एंड ट्रिक थी जो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर दिखाई है, मेंशन की है. अब प्लीज इनको अप्लाई करें ताकि आप लोगों के जो इंग्लिश में फाइंड करने का जो मेथड है वो शायद इम्प्रूव हो सके और आपको इंग्लिश के किसी भी क्वेश्चन में डाउट ना रहे. सो
आज के लिए बस ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ट्रिक्स के अकॉर्डिंग डाला है। अगर किसी भी कैंडिडेट को लगता है कि मैम ये वाला जो टॉपिक है ये हमें क्लियर नहीं होता, चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो चाहे क्लोज टेस्ट हो, तो वो चीज आप कमेंट या फीडबैक के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। तो वो चीज मैं आप लोगों के सामने सिलेक्टेड पोर्शन के अकॉर्डिंग लेकर आऊंगी, अच्छे से एनालाइज करके लेकर आऊंगी।